किसान भाई यहाँ पर है उनसे भी पूछा जाएगा कि आपके सामने कौन सी प्रॉब्लम आ रही है, और सीबीबीओ के सामने दोनों के बीच में बैठकर वार्ता भी यहाँ पर की जाएगी, वो सत्र भी रखा गया है। तो उस तक हम सभी यहाँ पर बैठेंगे, और ताकि हम इसका कोई नहीं किसी दिशा में जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का उस दिशा में पहुंचे। ये सारे प्रयास किस लिए किए जा रहे हैं? आज सरकार स्वयं आपके गांव में और किसान के घर पर आकर काम कर रही है, सबको साथ बिठाकर काम कर रही है। ये काम अगर पहले हो गया होता तो मैं सोचता हूं कि किसान इस राजस्थान के अंदर, कहा गया अभी जैसा राज्यवर्धन जी कह रहे थे कि जीडीपी के अंदर योगदान है जो 15 से 20% है, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं कि अगर इस तरह से, अगर सही अभी जिस तरह से गति के साथ काम हो रहा है वैसे पहले हुआ होता तो जीडीपी में योगदान सिर्फ 15-20% योगदान नहीं रहता। भारत जब आजाद हुआ था उस समय देश की कृषि का योगदान जो जीडीपी में था वो 50% था, 50% योगदान जो था वो कृषि का योगदान था जीडीपी के अंदर। लेकिन किसान की बात हुई, लेकिन किसान के लिए योजनाएं जो बननी चाहिए थी वो योजनाओं का कुछ न कुछ अभाव रहा। ये नहीं कहता कि अब कुछ कम में पूरा कि सिर्फ कुछ नहीं किया, लेकिन जिस गति के साथ में, जिस मॉनिटरिंग के साथ में अब किया जा रहा है और जिस योजना के, जो योजनाएं धरातल पर आनी चाहिए वैसी स्कीमें बनाकर किसान को सपोर्ट करने के तौर पर अगर किया होता तो ये जीडीपी का योगदान 15% तक नहीं रह जाता, घटती गई और दूसरे सेक्टर के अंदर काम बढ़ता गया और दूसरे सेक्टर का जीडीपी का योगदान बढ़ता गया और कृषि का जीडीपी के अंदर इतना धीरे धीरे प्रतिशत घट गया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही प्रधानमंत्री बने उन्होंने कहा कि मेरे देश का सबसे अगर कोई मजबूत स्तंभ है, अगर देश की रीढ़ है तो वो किसान है, और किसान को सशक्त करने के लिए हमें कुछ करना होगा। हमें सिर्फ बातें करने से किसान का समस्या का समाधान नहीं हो सकता, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहला काम एक किया और वो ये किया कि कृषि का बजट बढ़ाया। 2023 तक, राज्यवर्धन जी मैं बताना चाहूंगा आपको, 2013 तक देश की टोटल कृषि का बजट जो था वो सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए था, अधिकतम 23,000 करोड़ रुपए देश की कृषि का बजट रहा, जिसमें से आधे से अधिक तो अधिकारियों की और नीचे की सैलरी चली जाती थी, कुछ पैसा बचता उससे धीरे धीरे छोटी छोटी योजनाएं चलाने का प्रयास करते, नाम के मात्र पर चलती थी। मैं कह सकता हूं यहां पर कि ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर, 70% आबादी किसानों की और उसके लिए बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए, वो भी 2013 में अधिकतम रहा, उससे पहले उससे भी कम था। और अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उन्होंने कृषि का बजट जो किया है वो इस साल का भी बजट बता दूं, पिछला तो आप देख लेना, इस साल का कृषि का बजट है वो 1,32,000 करोड़ रुपए है, सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए और अब 1,32,000 करोड़ रुपए, और उसमें से भी आधे से अधिक पैसा तो डायरेक्ट किसान के बेनिफिट के तौर पर खाते में जाता है, 65,000 करोड़ से अधिक किसान सम्मान निधि के तौर पर 11.5 करोड़ किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि का पैसा गया, 1,85,000 करोड़ रुपए पिछले तीन साल के अंदर किसान के खाते में गए किसान सम्मान निधि के तौर पर। यह सारा किस लिए किया जा रहा है कि किसान की इनकम बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने पहले ही सबसे पहले कहा कि हमारे किसानों की इनकम बढ़नी चाहिए, इनकम डबल करनी है, और डबल करने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो किए जाने चाहिए, और किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण पिलर हैं वो क्या होते हैं, उनको सपोर्ट कैसे मिले, आज चाहे केसीसी के माध्यम से देने का विषय हो, आज 16.5 लाख करोड़ रुपए किसान को केसीसी के माध्यम से दिए जा रहे हैं, और इसी के तहत फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम के तौर पर 18,000 करोड़ रुपए किसान से लिए, लेकिन इन किसानों की फसल बीमे के नुकसान के तौर पर 1,20,000 करोड़ रुपए उसका क्लेम किसानों का भुगतान 2016 के बाद में कर दिया गया।
नई फसल बीमा नीति के बाद 2018 के बाद इस तरह से नई फसल बीमा की नीति हो, ये सारे परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी। और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश की बात की जाती है तो बातें जरूर हुई, फाइलें कहा रही वो नहीं कहूंगा, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जो की गई थी वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश में 202 बिंदु थे। स्वामीनाथन जी ने 217 पॉइंट रखे थे कि ये परिवर्तन अगर कर दिया जाए तो किसानों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। उस समय की सरकार तो जो थी